बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बीफ कढ़ाई तैयार कर रही हूँ, बहुत मज़े की तैयार होती है। आप इस तरीके से चिकन कढ़ाई और मटन की भी तैयार कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लेम पर मैंने प्रेशर कुकर रख दिया और अब इसमें बीफ डाल देना है 1.5 kg, और साथ ही पानी डाल देना है 2 कप के करीब। 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, बारीक बारीक काट लिए हैं। लहसुन के जवे 15 अदद और टमाटर मैंने बड़े साइज़ के 4 अदद लिए हैं और इस तरह से कट कर लिए हैं। अब ये इसमें डाल देना है नमक 1.5 टीस्पून, मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। प्रेशर कुकर को बंद कर देना है और इसे 20 मिनट तक पकने देना है। 20 मिनट में गोश्त बहुत अच्छे से गल जाए। इसे पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं, अब इसे खोल लेना है और कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देना है। अब इसमें से टमाटर के छिलके निकाल लेने हैं। चाहें तो पहले भी छील के इसमें डाल सकते हैं। अभी टमाटर के छिलके निकाल लिए, पानी भी खुश्क हो रहा है। साथ साथ आपको दिखा दूं, ये 4 चीज़ों को मैंने इकट्ठे पीसा है। इसमें 1 इंच का टुकड़ा है जिंजर का और हरी मिर्चें 6 से 7 अदद और काली मिर्च है 1 टीस्पून और धनिया है साबित 1 टेबल स्पून। इन चारों को मैंने इकट्ठे पीस लिए, अब ये इसमें डाल देना है। इन चारों चीज़ों को कढ़ाई में मिक्स कर लेना है और इसे पानी के खुश्क होने तक इसे पकने देना है। अब यहाँ पर पानी खुश्क होने वाला है तो यहाँ पर इसमें ऑयल डाल देना है 1/2 कप। पहले जब मैंने कढ़ाई तैयार की थी तो देसी घी में तैयार की थी। देसी घी में कढ़ाई बहुत मज़े की तैयार होती है। आप चाहें तो ये कढ़ाई देसी घी में तैयार कर लें या फिर ऑयल में तैयार कर लें। अब एक प्लेट में ये फ्रेश क्रीम है कि मैंने फ्रोज़न की हुई थी और इतनी ही दही ले लेनी है। अब इन दोनों को अच्छी तरह से फेंट लेना। अब फ्रेश क्रीम को और दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। इसमें फ्रेश क्रीम और दही जो ऐड की है उसके पानी को खुश्क होने तक इसे पकने देना। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैंने दही के पानी को खुश्क होने दिया इसमें, ठीक है, क्योंकि ये देखें ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त ये तैयार हो चुकी है। एक लेमन ऐड कर देना है, कटी हुई हरी मिर्चें 4 से 5 अदद और जिंजर कट एक टुकड़ा ले लिया 2 इंच का और इसे बारीक बारीक इस तरह से काट लिया, ये डाल देना है। कटा हुआ हरा धनिया, नीचे गरम गरम बहुत ही मज़े की कढ़ाई तैयार हो चुकी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है, बहुत डिलीशियस ये तैयार होती है। आप इसे गरम गरम नान के साथ, तंदूर की रोटी के साथ या फिर बॉयल राइस के साथ भी आप ये सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगेगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।